नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चार बेस्ट सूप के बारे में जो कि आपको फूड ट्रायल के अंदर देने चाहिए। जनरली हम लोग फूड ट्रायल के लिए जाते हैं और सूप हम लोग देते हैं क्योंकि सूप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आप बोल सकते हैं हमारे फूड ट्रायल का। कोई भी फूड ट्रायल बिना सूप के कंप्लीट नहीं होता है। सूप वेज देना है या नॉन वेज देना है वो डिपेंड करता है कि हमारा बाकी का मेन्यू क्या है, पर देना तो आपको पड़ता ही है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग मशरूम सूप बना देते हैं, टमाटो सूप बना देते हैं और ऐसे ही सर्व कर देते हैं। बट एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो हम लोग सेम सूप को अगर एक नए ढंग से, एक नए तरीके से प्रेजेंट करें या उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर दें तो वो सूप को हम लोग बहुत ही अच्छे से सर्व कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्टिनेंटल के अंदर जो प्रेजेंटेशन है वही सबसे ज़्यादा मेन मायने रखती है, क्योंकि उसके द्वारा ही आपका जो सूप है बहुत ही अच्छा दिखता है। यहां पे मैंने चार सूप आपको मैं बता रहा हूं, साथ साथ उनकी गार्निश भी मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो जब आप अपने ट्रायल पे जाओ तो आप इनमें से कोई भी सूप अपने मेन्यू के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और उनको फूड ट्रायल में दे सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। ये आपका फर्ज बनता है इस चैनल को आगे ग्रो करना, क्योंकि आप लोगों का ही चैनल है। क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है अब धीरे धीरे बढ़ गई है, लगभग 1 लाख करीब हमारी यहाँ की जो स्किल्ड कम्युनिटी, ठीक है ना। स्किल्ड कम्युनिटी का मतलब है जिनको की बहुत अच्छी स्किलिंग आती है, जो कि स्किल्ड लेवल के हैं। स्किल्ड का मतलब आप समझते हो, डॉक्टर इंजीनियर्स, उनको हम लोग स्किल्ड बोलते हैं। तो शेफ लोग भी स्किल्ड है, तो आपको इस कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे जो सबसे पहला सूप है वो है मेरा मशरूम कैपेचिनो। आप लोग नॉर्मल मशरूम सूप बनाते हैं, अब वो नहीं बनाना है। अब आपको क्या करना है, आपको मशरूम लेने हैं, ढेर सारे मशरूम लेने हैं, ठीक है। और उनको आपको सौते कर लेना है अनियन और गार्लिक के साथ। अगर वाइन है थोड़ा वाइन भी आपको डाल देना है, हैं, और उसको फिर से थोड़ा सा वाइन को आपको रिड्यूस करना है। स्टॉक डालना है, थोड़ी हर्ब्स डालनी है आपकी, और उसके बाद अगर आपके पास लीक सैलरीज वगैरह हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, देखनी पड़ेगी आपको कितनी मात्रा डालनी है, और उसके बाद उनको बॉईल कर देना है। बॉईल करने के बाद आपको उसकी प्योरी बना लेनी है। प्योरी बनाने के बाद आपको उसमें थोड़ा स्टॉक ऐड करना है और उसको रूह से हल्का सा थिक कर लेना है। ये जो सूप है हमारा थोड़ा प्योरी जैसा ही रहेगा, बिल्कुल पतला नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका सूप रेडी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप पहले भी करते आए होंगे, सेम वही करना है। थोड़े से आपको सीजनिंग का ध्यान रखना है, थोड़ी हर्ब्स का ध्यान रखना है, क्योंकि मशरूम के साथ हमारी यहाँ पे जो थाइम हर्ब है वो बहुत ही बेस्ट जाती है। जब आपका सूप रेडी हो जाएगा तो आपको गार्निश करनी है वहाँ पे व्हिप्ड क्रीम की। अब व्हिप्ड क्रीम की तो आप बोलोगे हम लोग नॉर्मल करते ही थे, बट यहाँ पे जो सूप का नाम है वो है कैपेचिनो, मशरूम कैपेचिनो। अगर आपने कैपेचिनो कॉफी पी होगी तो आप देखते होंगे कॉफी के ऊपर ढेर सारा झाग होता है। अब वो झाग कैसे आएगा, इसके लिए आपकी जो डबल क्रीम होती है, मीठी वाली नहीं लेनी है, डबल क्रीम दूसरी भी आती है, उसको आपको अच्छे से विक्स करना है। जब आप उसे विक्स करोगे आपको बर्तन के नीचे थोड़ी आइस लगा लेनी है ताकि वो जल्दी से फूलेगी, और उस क्रीम को आपको आपके सूप के ऊपर से, जो आप कप को आपको यूज करना है, यहाँ पे सूप आपको बाउल नहीं लेना है, आपको जो कॉफी कप लेना है जिसमें कि हम लोग कैपेचिनो जो हमारी नॉर्मल होती है वो देते हैं, उसके अंदर आपको सूप को सर्व करना है। ऊपर से आपको जो क्रीम लगानी जो आपने व्हिप करी है, और साथ में ऊपर से थोड़ा सा आपको पेपरिका पाउडर छिड़क देना है, जिस प्रकार से हम हल्की सी कॉफी छिड़क देते हैं अपने कैपेचिनो के ऊपर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आपका जो नॉर्मल मशरूम सूप है वो आपका मशरूम कैपेचिनो सूप बन जाएगा और देखने में बहुत ही शानदार लगेगा। आप चाहें तो इसके साथ अपने जो क्रूटॉन्स हैं, जो नॉर्मल क्रूटॉन्स हम फ्राई करते हैं वो वाले नहीं, साइड में जो गार्लिक ब्रेड, बड़े बड़े क्रूटॉन्स आप अपने दे सकते हैं। सूप के ऊपर आपको कुछ नहीं रखना है, सूप के ऊपर सिर्फ क्रीम होगी और ऊपर से आपके जो थोड़ी सी पेपरिका आपको वहाँ पर डालनी है। दूसरा सूप हमारा यहाँ पे आ जाता है, वो है हमारा रोस्टेड टमाटो पेपर सूप। आपने टमाटो सूप बनाया होगा, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना है। आपको आपके टमाटोज लेने हैं, उनको काट लेना है, रफली कैसे भी काट सकते हैं। साथ साथ आपको यहाँ पे जो पेपर्स है, पेपर्स का मतलब यहाँ पे हमारी कैप्सिकम है, रेड वाली कैप्सिकम ही आपको लेनी है। और टमाटो और कैप्सिकम को हो सके तो यहाँ पे आपके पास जो अगर चेरी टमाटो है तो उनका भी थोड़ा इस्तेमाल कर लेना है, उनको भी रफली काट लेना है, हल्के से मैश कर लेना है। फिर उन सबको आपको कहाँ डालना है, आपको ओवन के अंदर डालना है, ठीक है। ओवन ना हो तो आप सैलामेंट्री का यूज़ कर सकते हैं। जब वो हल्के से रोस्ट हो जाएंगे, उनका जो पानी निकल जाएगा, ये या बोलेंगे थोड़े से वो गल जैसे जाएंगे जो पेपर्स और टमाटोज हैं हमारे, उसके बाद आपको उनको निकाल लेना है। फिर सेम जैसे प्रोसेस होता है हमारे टमाटो सूप का, आपको ऑलिव ऑयल या ऑयल लेना है, थोड़ा बेलीफ डालना है, पेपरकॉर्न डालना है, अनियन गार्लिक डालना है। ये सारी की सारी चीज़ें डाल के साथ साथ अपने हल्के से कैरेट्स की मात्रा बहुत यहाँ पे कम रखनी है, क्योंकि जो स्पेशली टेस्ट आने वाला है हमारे टमाटो और पेपर का ही आने वाला है, और उनको अच्छे से आपको कुक करना है, हल्का सा स्टॉक ऐड करना है, और लास्ट में आपको इनकी प्यूरी बना लेनी है। प्यूरी को छान लेना है और हल्का सा रूह से इसको आपको थिक करना है, ज़्यादा थिक नहीं करना है, ठीक है। ये भी हल्का सा आपका, आप बोल सकते हैं जैसे हमारी टमाटो प्यूरी आके टिन में वैसे ही होगी।
और इसमें अगर आप देखेंगे आपका जो पेपर का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा उभर के आता है, ठीक है। तो इसको आपको सर्व करना है और इसके ऊपर आपको जो फ्रेश हमारे जो बेसिल होते हैं उसकी गार्निश आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, या आपकी जो थाइम आप लोग लगा सकते हैं, रोजमेरी भी आप लगा सकते हैं। चॉप्ड गार्निश आपको यूज़ नहीं करनी है, चॉप्ड गार्निश इसके साथ आपकी अच्छी नहीं लगती है। तो आप देखेंगे सूप का जो भी आपका कप होगा उसमें लाल लाल तो होगा बट हल्के से ज़्यादा एक रेडिश आपको कुछ स्पॉट्स दिखाई देंगे जो कि आपके होंगे आपके पेपर्स के। तो इस प्रकार से आपको सूप को बनाना है। आप यहाँ पे आपको जो छिलके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में आप उसको ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी सूप बड़ा ही बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है और दिखता भी बहुत अच्छा है। तीसरा हम लोग यहाँ पे नॉनवेज सूप ले रहे हैं, वो है हमारा अब्बो लेमन। ये ग्रीक का सूप है। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको आपको सबसे पहले अपने स्टॉक रेडी करना पड़ेगा चिकन का। आप चाहे तो जहाँ पे आप ट्रायल देने जा रहे हैं जिस होटल में उनसे ले सकते हैं, या सबसे पहले आपको अपना स्टॉक ही चढ़ाना है। जब आपका स्टॉक रेडी हो जाएगा उसके अंदर आपको राइस कुक करने हैं, आपको जो नॉर्मल स्टाफ राइस होता है ना उसको कुक करना है क्योंकि उसके अंदर, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा स्टार्च होता है और इसी स्टार्च से जो आपका लिक्विड है वो आपका थिक हो जाएगा। आपका स्टॉक रेडी हो गया, आपने उसके अंदर राइस डाल दिया। राइस कितने डालते हैं, लगभग आप बोल सकते हैं अगर मैं एक किलो अगर मैं सूप बना रहा हूँ या एक लीटर मैं सूप बना रहा हूँ तो लगभग 20 ग्राम करीब ही आपको चावल डालने हैं, क्योंकि इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। इसके बाद साथ साथ आपको चिकन के पीसेज या चिकन ब्रेस्ट डाल देनी है उसके अंदर और साथ साथ उनको बॉइल करना है। बॉइल करते करते आप देखेंगे आपका जो सूप है वो भी ठीक हो जाएगा, चिकन ब्रेस्ट भी पक जाएगी, राइस भी कुक हो जाएगा। इस स्टेज में आपको जो चिकन ब्रेस्ट निकाल देनी है, वापस से उनको छोटे छोटे डाइसेस में काट के वापस के अंदर इसके अंदर मिक्स कर देनी है और साथ साथ इसमें आपको अंडे को फेंट के डालना है। जिस प्रकार से हमारा चाइनीज का सूप होता है ये भी उसी प्रकार से दिखता है, बट यहाँ पे थिकनिंग हमारी आती है हमारे चावल के स्टार से जब उसके अंदर कुक हो रहा होता है। फाइनली आपको उसकी सीजनिंग कर लेनी है सॉल्ट और व्हाइट पेपर से, ब्लैक पेपर नहीं डालना है, सॉल्ट और पेपर से, क्योंकि बाकी जो ऊपर सूप थे उसमें आपने ब्लैक पेपर यूज़ किया था, हो सकता है कि मैं बोलना भूल गया हूँ, बट वहाँ पे आपको ब्लैक पेपर यूज़ करना था, यहाँ पे आपको व्हाइट पेपर यूज़ करना है। डिपेंड करता है कि आपका जो सूप का कलर क्या है, सूप के कलर के अनुसार ही आपको पेपर यूज़ करना होता है। इसके बाद इसमें आपको लेमन स्क्वीज कर देना है और आप देखेंगे इसका टेस्ट जबरदस्त हो गया है, क्योंकि इसका नाम अब्बो लेमन हो है, तो इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट हमारे चिकन हो गया, हमारा राइस हो गया, हमारा एग हो गया, ठीक है, ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट हो जाते हैं। इसके बाद इसको आपको गार्निश कर देना है यहाँ पे चॉप्ड पार्सली से। ट्रेडिशनल सूप है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है, ठीक है, आप घर में भी ट्राई कर लेना इसको, तो घर में तो ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाती है। सबसे लास्ट सूप यहाँ पे आ जाता है, वो है हमारा क्रीम ऑफ चिकन सूप। जनरली हम लोग जाते हैं, हम लोग कॉन्ज़ूमे बनाने की कोशिश करते हैं, कॉन्ज़ूमे क्लाउडी बन जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है और हम लोग ट्रायल में फेल हो जाते हैं। आप लोग क्रीम ऑफ चिकन बनाइए, एक स्टॉक लीजिए, अच्छा वाइट स्टॉक होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपकी रू आपको फ्रेश बनानी है, वो भी बटर के साथ, पुरानी मार्जिन से बनी रू, तेल से बनी रू, पानी से बनी रू का इस्तेमाल नहीं करना है। आप प्रॉपरली अपने स्टॉक को लीजिए, स्टॉक के अंदर दोबारा से चिकन ब्रेस्ट वगैरह डालिए, थोड़ी लीक सैली डालिए, उन सबको अच्छे से बॉइल होने दीजिए और वो सारे की सारी चीज़ें निकाल के उनमें रू डाल के उसको थिक कीजिएगा, और साथ में थोड़ा गार्लिक वगैरह का तड़का भी आपको इसमें लगा देना है। वाइन को रिड्यूस करके भी आपको ऐड कर लेना है। आप देखेंगे आपके जो सूप का कलर है बहुत ही बढ़िया आया है। इसके बाद इसमें आपको लास्ट में आपको क्रीम आपको ऐड करनी है, यही एक आप बोल सकते हैं मंत्र है आपके सूप के अच्छे कलर का। और यहाँ पे भी आपको व्हाइट पेपर इस्तेमाल करना है, ब्लैक पेपर इस्तेमाल नहीं करना है। और जब आप इसको सर्व करेंगे तो क्रीम आपको ऊपर से टॉप अप करनी है और साथ साथ आपको गार्लिक क्रूटॉन देने हैं। गार्लिक क्रूटॉन आप छोटे वाले मत दीजिएगा, बड़े जो हमारी गार्लिक ब्रेड से हमारे बनते हैं वो आपको आपको देने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं किसी भी सूप के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको चारों सूप अच्छे लगे होंगे और आप इनको जाके अपने फूड ट्राई में ट्राई जरूर करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।